and I Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, I would like to share this nude office going makeup look with you. This makeup look would hardly take 10 to 12 minutes. आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा wearable makeup look है जिसको आप daily basis पे बहुत easily carry कर सकते हो. थोड़े बहुत चेंजेस करके एंड यू कैन ऑल्सो सी कि मेरे फेस पे कितना सारा ग्लो दिखाई दे रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई करे, मैंने सच में बहुत मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज करे हैं और बहुत इजी मेकअप टेक्निक्स यूज करी इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए, ताकि इस मेकअप लुक को हर कोई क्रिएट कर सके. दिस इज बिगिनर्स फ्रेंडली एंड मेरे को तो ये लुक बहुत अच्छा लगा. ऑफिस जाते तो हमारे पास हार्डली 10 से 15 मिनट ही होते हैं अपने आप को तैयार करने के लिए, और मेकअप भी हमें करना चाहिए क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं ना तो हमारे जो फीचर्स है ना वो एनहेंस होके आते हैं. तो इसलिए मुझे ऐसा ही मेकअप लुक क्रिएट करना था जिसकी हेल्प से जो मेरे फीचर्स और एनहेंस्ड लगे और मैं थोड़ी प्रेजेंटेबल दिखूँ और थोड़ी अच्छी दिखूँ ऑफिस जाते हुए. सो दैट इज वाई ये मैंने मेकअप लुक क्रिएट करा है. सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द स्किन केयर. जो स्किन केयर है वो मेकअप में इंक्लूड नहीं होती है. स्किन केयर इज़ अ मस्ट हैव थिंग. आपने अगर मेकअप अच्छे से अप्लाई करना है तो स्किन केयर को ज़रूर फॉलो कीजिए. सबसे पहले मैं विटामिन सी लगा रही हूँ लग्जूरियस साइंस का. इसका जो रिव्यू है मैं जल्दी लेके आऊँगी अपने चैनल के ऊपर. लगाने के बाद इसको अच्छे से पैड ज़रूर करिए. जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की टी ट्री डे क्रीम है ये फेस पे लगाने के लिए, और मैं इसको भी काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ. बहुत अच्छा क्रीम है, स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको पिम्पल्स की प्रॉब्लम रहती है. इससे आपके जो पिम्पल्स हैं वो अपेयर नहीं होते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई इट ऑन योर नेक. आप कुछ भी अप्लाई करें तो नेक पे ज़रूर अप्लाई करें. नेक्स्ट आई एम यूजिंग जॉनसन्स बेबी ऑयल, बिकॉज सर्दियों में जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाती है, तो इसलिए जो स्किन है उसको प्रॉपरली हमें मॉइस्चराइज करना है. और विटामिन सी अप्लाई करा है तो हमने SPF भी ज़रूर लगाना है. चाहे आप विटामिन सी लगाएं या ना लगाएं, SPF को आप ज़रूर अप्लाई करें और अपनी गर्दन कान सब पे अप्लाई करें. वेट फॉर 5 मिनट्स देन स्टार्ट योर मेकअप. सबसे पहले हम करेंगे कलर करेक्शन, क्योंकि हमने ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना है, तो इसके लिए कलर करेक्शन ज़रूरी है. उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कफ्स एंड लैशेस का F011 ब्रश एंड 15 शेड नंबर है ये पॉट का, दैट इज़ पीच कलर करेक्टर. डिफरेंस आप देख सकते हैं. आपको इसको मेनली लगाना है अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर, नोज़ के अराउंड, लिप्स के अराउंड, जहाँ पर आपको पिगमेंटेशन है. नाउ वी विल मूव टू द लैक्मे 9 to 5 मूस फाउंडेशन. उसके साथ मैं यूज़ करूँगी कफ्स एंड लैशेस का CS10 ब्रश. इसको पहले हमने वार्म अप कर लेना है, फिर अपने फेस के ऊपर डॉट डॉट करके अप्लाई करना है. ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, ऐसे लगता ही नहीं कि आपने अपनी स्किन के ऊपर कुछ अप्लाई किया हुआ. बिल्कुल नेचुरल फिनिश देता है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपके हाथों से बहुत अच्छे से अप्लाई होता है. पहले अपने हाथ से डैब डैब कर लीजिए, फिर जैसे मैं हाथ घुमाऊंगी इस तरीके से आप अपने पूरी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं. ये लुक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रखनी है, इसके लिए मैंने ये फाउंडेशन को यूज़ करा है. आप इसको ज़रूर ट्राई आउट करके देखिए. अगर आपने ट्राई नहीं किया है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके. उसके बाद मैं ब्रश के साथ इसको डैब डैब कर रही हूँ. बस इसको स्वाइप नहीं करना है, सिर्फ डैब डैब करना है, क्योंकि हमने कलर करेक्टर लगाया है ताकि हमें ज़्यादा प्रोडक्ट को अप्लाई ना करना पड़े. उसके बाद जो वेट ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने सिर्फ उन एरियाज़ को डैब डैब किया है जहाँ पर मैंने कलर करेक्शन अप्लाई की हुई है, ठीक है, सिर्फ अपने टी जोन के ऊपर. नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ मैं थोड़ा सा कंटूर करूँगी, बिल्कुल लाइट सा कंटूर. उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर की ये पैलेट. तीनों प्रोडक्ट्स मैं इसी में से यूज़ करूँगी. अप्लाई करने से पहले एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को रिमूव ज़रूर करें, इससे क्या होगा कोई भी चौकीनेस नहीं आएगी हमारे फेस के ऊपर. और बहुत ही हल्के हाथों से लगाना है, बहुत लाइट प्रोडक्ट लगाना है, क्योंकि ऑफिस में कई बार क्या होता है कि लोग हमारे बिल्कुल पास आकर भी बात करते हैं. कई बार हमें किसी के पास घंटा घंटा बैठना पड़ता है, तो मेकअप ऐसे विजिबल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल लुक आना चाहिए. ज़रा से शेडो ही प्रोवाइड करनी है. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ द मेकअप रेवोल्यूशन न्यूट्रल्स वर्सेज न्यूट्रल पैलेट. रेस्ट ऑफ द मेकअप मैं इसी पैलेट में से करूँगी, एंड क्योंकि इसमें बहुत प्यारे न्यूट्रल शेड्स हैं. आपको ब्लश भी मिल जाएगा, हाइलाइटर भी मिल जाएगा, आई शेडो भी मिल जाएगा, तो ठीक है. चलिए, तो सबसे पहले मैंने ब्लश के लिए ये वाला शेड पिक किया है जिसको मैं मार्क कर रही हूँ वीडियो में. उसको बड़े ही हल्के हाथों से मैंने अप्लाई कर लिया है. देखिए, मैंने अपने फेस को सेट नहीं किया है कॉम्पैक्ट के साथ, क्योंकि मेरे फेस की ज़रूरत नहीं है. आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन जो सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा ड्राई साइड पर चली जाती है, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी. और अगर आपको ज़रूरत है तो आप सिर्फ अपने अंडर आइज को ही सेट करें, बाकी फेस को सेट करने की ज़रूरत नहीं रहती है सर्दियों में. अब देखिए, मैंने इसी पैलेट में से कितने अच्छे से ब्रोज बना लिए हैं. मैं ज़रा सा स्विस ब्यूटी का मैंने कंसीलर लिया है, एंड प्रो आर्ट PE22 ब्रश की हेल्प से मैं आई शेडो लूँगी. उसको मैं मार्क कर दूँगी साइड पे जो जो कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ. और आई शेडो जब लगानी है उससे पहले हमने कंसीलर को सेट नहीं करना है, उसके ऊपर ये लगा देनी है, ताकि ये जो मेकअप है सारा दिन हमारी आँखों पर टिका रहे. अब मैं सिर्फ इसको बहुत ही हल्के हाथों से प्रोडक्ट को ले रही हूँ, सिर्फ ब्लेंड कर रही हूँ। पीच कलर के बाद ना मैंने थोड़ा सा शिमर शेड लिया था, तो जब मैंने लुक कंप्लीट करा तो मुझे लगा कि मुझे बिल्कुल मैट कर देने चाहिए, तो दैट इज़ वाई फिर मैंने ये वाला प्रोडक्ट ऊपर अप्लाई कर दिया। उसके बाद साफ ब्रश लिया और सबको मैंने मर्ज कर दिया। देखिए सुबह सुबह जाते हुए ना हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता लाइनर लगाने का, तो आप एंगल ब्रश लीजिए और ब्लैक शेडो को लीजिए और ऐसे थोड़ा सा अपनी आँखों पर लगा दीजिए, बिल्कुल लाइनर का लुक आता है, बहुत अच्छा लगता है। और बाद में इसको मैंने इसी में सारा मर्ज कर दिया ताकि कोई भी प्रोमिनेंटली हमें कुछ ना दिखे। ऑफिस गोइंग लुक बहुत ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल प्रोमिनेंटली दिखाना है तो आप इसको स्मर्ज ना कीजिए, जैसे कि मैंने अभी किया है। अब मैं ब्लू हेवन के मेकअप फिक्सर के साथ इसको फिक्स कर रही हूँ, जिससे क्या होगा जो मेरा मेकअप है सारा दिन टिका रहेगा। एंड ब्यूटी ब्लेंडर से ऐसे मैं डैप कर रही हूँ ताकि जो मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं आपस में मर्ज हो जाए। देखिए मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट लगाए हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्किन पे अप्लाई हुए हैं, उनका इफेक्ट बहुत अच्छा आया है। नाउ आई एम यूजिंग शुगर वोलुमिनस मस्कारा, डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा मस्कारा है, बहुत ईजिली रिमूव भी हो जाता है और बहुत प्रोमिनेंटली आपकी जो लैशेज हैं उनको अलग अलग करके बहुत ज़्यादा वॉल्यूम प्रोवाइड कर देता है। देखिए जब भी मस्कारा अप्लाई करना है तो उससे पहले हमने कर्ल ज़रूर करनी है। अब आप खुद देख सकते हैं कि इसने कितना अच्छा वॉल्यूम दिया है। और मैं इसी पैलेट में से सिर्फ नोज़ के ऊपर मैं हाईलाइट कर रही हूँ, बाकी रेस्ट ऑफ द फेस मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा है। एंड 08 शेड नंबर है बेले वोस्टा का, इसको मैं क्रेयॉन को अप्लाई करूँगी। देखिए एक और हैक मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप ऐसे अप्लाई करें ना उसके बाद लिप लाइनर के साथ इसको आउटलाइन करें। इससे क्या होता है ना कि आपका जो शेड है ना वो बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होता है। एंड उसके बाद अब मैंने दोबारा से लैशेस को कर्ल किया है 2-3 मिनट के बाद। इससे क्या होगा जो लैशेस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लगेंगे, है ना, कितनी अच्छी लग रही थी। नाउ द नेक्स्ट जो लास्ट प्रोडक्ट है वो मैं यूज़ करूँगी लॉरियल का ये सेटिंग स्प्रे अपने बालों पे, ताकि जो मेरे बाल है सारा दिन सेट रहे। ये सेटिंग स्प्रे बिल्कुल ड्राई आउट नहीं करता है हेयर को। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज, आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू दोज हु गोज़ टू ऑफिस और कॉलेज। आई होप यू लाइक इट। बाय बाय, टेक केयर, मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।